अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। वी आर रीडिंग द नावल द ओल्ड मैन एंड द सी रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। एंड इन द नावल वी हैव रेड दैट सेंटियागो इज़ द ओल्ड मैन एंड ही इज़ द नावल का सेंट्रल करेक्टर। वो नावल का जो है वो मरकजी किरदार है। अ डेडिकेटेड फिशरमैन हु टॉट मैनुअल इन एवरीथिंग ही नोज अबाउट फिशिंग। और उसने जो है ही इज़ अ वेरी स्किलफुल एंड डेडिकेटेड फिशरमैन, जो बहुत माहिर मछेरा है। और उसने मैनुअलिन को जो है वो मछलियाँ पकड़ने के बारे में जो है वो सब कुछ जो है वो हर चीज़ का इल्म दिया है। और हु इज़ मैनुअलिन? मैनुअलिन जो है ही इज़ द अप्रेंटिस और द स्टूडेंट ऑफ द ओल्ड मैन द ओल्ड मैन हु इज़ द फिशरमैन सेंटियागो, अ यंग मैन फ्रॉम द फिशिंग विलेज हु हैज़ फिश विद सेंटियागो सिंस द एज ऑफ 5 एंड नाउ ही केयर्स फॉर द ओल्ड मैन। 5 साल से जो है मैनुअलिन वो सेंटियागो के साथ मछली पकड़ रहा है एंड ही इज़ वेरी लॉयल डिवोटेड एंड केयरिंग टूवर्ड्स द ओल्ड मैन। और मैनुअलिन जो है वो ओल्ड मैन का बहुत ज़्यादा जो है वो हर लिहाज से ख्याल रखता है। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव रेड दैट द बॉय मैनुअलिन इंक्वायर्ड फ्रॉम द ओल्ड मैन दैट एट व्हाट एज ही टेक हिम अलॉन्ग विद हिम टू द फिश, किस उम्र में जो है उसको अपने साथ मछलियाँ पकड़ने के लिए ले जाता है। तो द ओल्ड मैन रिप्लाइड, सेंटियागो जो है उसका क्या जवाब देता है, 5 एंड यू नेली वर किल्ड व्हेन आई ब्रॉट द फिश इनटू ग्रीन एंड ही नेली टू द बोट टू पीसेस, कैन यू रिमेंबर। वो कहता है कि जब मैं जो है 5 साल की उम्र में तुम अपने साथ पहली दफ़ा ले गया और मैंने जब मछली पकड़ी और जब जो है वो ज़ोर से जो है जब उसको मैंने मार गिराया तो वो बोट पर गिर गई और बोट के जो है उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो तुम बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए थे। आई कैन रिमेंबर द टेल स्लैपिंग एंड बैंगिंग एंड थॉट ब्रेकिंग इन द नॉइज ऑफ द क्लबिंग। अब जो है वो जब अपनी दुम को जो है वो ज़ोर ज़ोर से मार रही थी और थॉट इसे कहते हैं, आप यू कैन सी इन द पिक्चर बिलो दैट थॉट इज़ लाइक अ सीट इन द बोट, ठीक है। और क्लबिंग का मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से मारना। आई कैन रिमेंबर यू थ्रोइंग मी इन टू द बो, वो भी आप देख रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द बोट वेर द वेट कॉइल लाइन्स वर एंड फीलिंग द होल बोट शिवर एंड द नॉइज ऑफ यू क्लबिंग हिम लाइक चॉपिंग ट्री डाउन एंड द स्वीट ब्लड स्मेल ऑल ओवर मी, कैन यू रियली रिमेंबर दैट और डिड आई जस्ट टेल इट टू यू, आई रिमेंबर एवरीथिंग फ्रॉम व्हेन वी फर्स्ट वेंट टुगेदर। अब जो मैनुअलिन है वो कहता है कि मुझे हर चीज़ जो है बहुत अच्छे तरीके से याद है जब तुम मुझे अपने साथ पहली दफ़ा ले गए थे। द ओल्ड मैन लुक्ड एट हिम विद हिज सनबर्न कॉन्फिडेंट लविंग आइज। हमने पहले भी पढ़ा था कि द आइज ऑफ द ओल्ड मैन इज़ वेरी चेयरफुल एंड फुल ऑफ होप, बहुत जो है वो उम्मीद जो है वो उसकी झलकती है ओल्ड मैन की आंखों से। इफ़ यू आर माई बॉय आई वुड टेक यू आउट एंड गैम्बल ही सेड, बट यू आर योर फादर्स एंड योर मदर्स एंड यू आर इन अ लकी बोट। अब वो जो है ओल्ड मैन अब अपने साथ मैनुअलिन को फिशिंग पे नहीं लेके जा सकता या उसको किसी भी तरह से वो अपने साथ जो है वो ज़्यादा नहीं रख पाता, बिकॉज जो उसके जो मैनुअलिन के पेरेंट्स हैं उसको मना किया है मैनुअलिन को कि वो ओल्ड मैन के साथ सेंटियागो के साथ जो है वो मछलियाँ पकड़ने जाए, बिकॉज ही इज़ अनलकी ओल्ड मैन एंड ही इज़ अनएबल टू कैच एनी फिश फॉर 84 डेज। और उतने दिनों से जो है वो 84 डेज से उसने कोई जो है वो मछली पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ। मे आई गेट द सार्डिन्स, आई नो वेयर आई कैन गेट 4 baits टू, आई हैव माइंड दैट फ्रॉम टुडे आई पुट देम इन सॉल्ट इन द बॉक्स, लेट मी गेट 4 fresh ones। वन ओल्ड मैन सेड हिज होप एंड हिज कॉन्फिडेंस हैड नेवर गोन, बट नाउ दे वर फ्रेशनिंग एज व्हेन द ब्रीज राइजेस। ब्रीज जो है हवा को कहते हैं। और जो अब जो सार्डिन्स हैं वो छोटी मछलियाँ होती हैं जो मछलियाँ पकड़ने के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि जो ओल्ड मैन है हिज जो उसका जो मैनुअलिन है वो ओल्ड मैन के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग है और वो उसका हर लिहाज से उसकी मदद करना चाहता है। और वो समझता है कि ओल्ड मैन जो एक पुअर है बहुत गरीब है और उसने मछलियाँ नहीं पकड़ी इतने दिनों से, तो उसके पास पैसे नहीं है कि वो दोबारा मछलियाँ पकड़ने के लिए जो है वो छोटी मछलियाँ ख़रीद सके और उनको चारे के तौर पर इस्तेमाल कर सके। तो वो उसको जो है वो कहता है कि ऑफ़र करता है कि मैं जो हूँ तुम्हारे लिए जो है वो 4 दिन्स छोटी मछलियाँ जो है वो लेकर आता हूँ। टू द बॉय सेड टू द ओल्ड मैन एग्री टू डिडंट स्टील देम, आई वुड द बॉय सेड बट आई बॉट दिस। अब ओल्ड मैन उससे पूछता है सेंटियागो से कि तुमने चोरी तो नहीं की, वो कहता नहीं मैं खरीद के लाया हूँ, ठीक है। और थैंक यू द ओल्ड मैन सेड ही वाज टू सिंपल टू वंडर व्हेन ही हैड अटेन ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी कहते हैं आजी को, बट ही न्यू ही हैड अटेंड इट एंड ही न्यू इट वॉज नॉट ग्रेट डिसग्रेसफुल, इट कैड नो लॉस ऑफ ट्रू प्राइड, ठीक है। अब वो कहता है कि उसने जो है वो जो आजी जो है उसके लिए जो है वो समझता है कि ये जो है वो इज़्ज़त और वक़ार को बढ़ाती है, इसे जो है वो कुछ ये कोई बेइज्जती की बात नहीं है कि आप जो है वो आजाना तौर पर जो है वो आप रहें, ठीक है। टुमारो इज़ गोइंग टू बी अ गुड डे विद दिस करंट, ही सेड वी आर गोइंग विद द बॉयज फार आउट टू कम इन व्हेन द विंड शिफ्ट्स।
आई वॉन्ट टू बी आउट बिफोर इट इज़ लाइट. आई विल ट्राई टू गेट हिम टू वर्क फॉर फार आउट द बॉय सेड, देन इफ़ यू हुक समथिंग ट्रूली बिग वी कैन कम टू योर एड. अब वो वूमेन उसको बताता है कि मैं भी मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ और मैं इस दफ़ा जो है उस समंदर में बहुत दूर तक जाऊँगा ताकि मैं कोई मछली पकड़ने में कामयाब हो जाऊँ. तो जो वो जो मैनुलिन है वो कहता है कि मैं जिस बोट में जा रहा हूँ तो मैं भी उनको कहूँगा कि बहुत दूर तक चलते हैं ताकि अगर आप कुछ बड़ी मछली पकड़ लो तो हम आपकी एड या मदद कर सकें. ही डज़ नॉट लाइक टू वर्क टू फार आउट, नो द बॉय सेड, बट आई विल सी समथिंग दैट ही कैनॉट सी सच एज अ बर्ड वर्किंग एंड गेट हिम टू कम आउट आफ्टर डॉल्फिन. आर इज आईज दैट बैड, ही इज़ ऑलमोस्ट ब्लाइंड, इट इज़ स्ट्रेंज. द ओल्ड मैन सेड, स्ट्रेंज कहते हैं जीप को, ही नेवर वेंट टर्टलिंग दैट इज़. अब जो है वो कहता है कि वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम जिसके साथ जा रहे हो वो बहुत ज़्यादा दूर मछलियाँ पकड़ने के लिए नहीं जाता, लेकिन जो है वो बॉय कहता है, जो मैनुलिन कहता है कि वो तो उसको इतना नॉलेज भी नहीं है, ही हैज़ पुअर नॉलेज अबाउट फिशिंग, क्योंकि वो जब परिंदे जब नज़र आते हैं तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे जो है वो मछलियाँ हैं, क्योंकि परिंदे जो है मछलियों को खाने के लिए आते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे वो छोटी मछलियों को जब खाने के लिए आते हैं वहाँ पे बड़ी मछलियाँ भी होती हैं, लेकिन वो कहता है कि वो उसकी आँखें जो हैं वो ऑलमोस्ट, ही इज़ ऑलमोस्ट ब्लाइंड. और टर्टलिंग जो है वो एक किस्म की स्ट्रैटेजी होती है कि हम जो है वो अपना डिफेंस कर सकें. ठीक है, जैसे टर्टल जो होता है वो अपनी जब उस पर हमला होता है, व्हेन समवन अटैक्स द टर्टल और ही इज़ अटैक्ड बाय समथिंग, सम एनिमल, सो वो क्या कहता है कि वो जल्दी से जो है ही कवर्स हिमसेल्फ इन हिज शेल. ठीक है, और वो शेल में जो है वो जल्दी से चला जाता है. सो वी विल स्टॉप हेयर स्टडिंग द टेक्स्ट. Assalamu alaikum students, now we will study the phrasal verbs in our grammar lesson. Today we will learn the phrasal verbs with call. Call का मतलब वैसे होता है किसी को बुलाना या किसी को फ़ोन करना, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया था कि जब हम verbs के साथ जो है call जो है इज़ अ verb, तो हम उसके साथ जो है जब adverbs जो है वो लगा देते हैं या जो है वो prepositions लगा देते हैं तो it will give a different meaning. Call back का मतलब है call again later, यानी कि किसी को जो है वो बाद में जो है वो दोबारा कॉल करना. शी विल कॉल हिम बैक फॉर रिमाइंडर, उसको याद दिलाने के लिए दोबारा जो है उसने कॉल की. कॉल इन का मतलब होता है पे समबडी अ शॉर्ट विज़िट, किसी के लिए जो है वो मुख्तसर सी मुलाकात करने के लिए किसी के घर जाना. माई मॉम कॉल्स इन लास्ट नाइट इन सारा हाउस, यानी कि मेरी जो अम्मा है वो गई पिछली रात सारा के घर उससे मिलने के लिए. कॉल ऑफ का मतलब होता है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट idiom. कैंसिल एन इवेंट, यानी कि कोई इवेंट को जो कैंसिल कर देना, जैसे जो सेरेमनी और फंक्शन जो है कॉल्ड अप ड्यू टू वेदर, वो मौसम की वजह से जो है वो कैंसिल होगी सेरेमनी. कॉल आउट का मतलब है शॉर्ट और अनाउंस, कोई चीज़ का ऐलान करना. टीचर कॉल्ड आउट द रिजल्ट, टीचर ने जो है वो रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया. कॉल अप का मतलब है टू टेलीफोन समबडी, किसी को फ़ोन मिलाना. कॉल मी अप व्हेन यू नीड हेल्प, और मुझे आप कॉल कर सकते हैं जब आपको मदद की ज़रूरत हो. आई होप दैट यू आर लर्निंग दीज फ्रेजल वर्ब्स ऑन डेली बेसिस, आप इसे इनको जो है वो रोज़ याद करते हैं, जिस तरह से मैं आपको जो है वो थोड़े थोड़े जो है वो आपको कराती हूँ, ताकि आप जो है उसको याद करने में आसानी हो, बिकॉज फ्रेजल वर्ब्स आर अ बिट कन्फ्यूजिंग. सो अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट लेक्चर.